कृष्ण भक्तों के लिए वृंदावन का एक अलग ही महत्व है। यह स्थान अपने पवित्रता, सुंदरता और मंदिर के आकर्षक के लिए जाना जाता है। कृष्ण भक्तों का यह सबसे पवित्र धाम है। इस वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बचपन के रूपों का वर्णन किया गया है। यहाँ उनका बचपन बीता। इस वृंदावन में राधा कृष्ण के बहुत मंदिर हैं, तो इस वीडियो में हम वृंदावन के 10 मंदिर को जानेंगे। और आप यहाँ कब जा रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। यह जयपुर मंदिर वृंदावन में स्थित है। इस कौन मंदिर से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी चलने पर दाहिने साइड पर यह मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण जयपुर के महाराजा महादेव जी ने सन 1917 में करवाया था। यह मंदिर एक भव्य मंदिर है और इसको बनाने में राजस्थान के मूल पत्थरों का प्रयोग हुआ है। वृंदावन के फेमस मंदिरों में एक मंदिर है मदन मोहन मंदिर। यह लगभग 50 फीट की ऊंची पहाड़ी पर स्थित श्री कृष्ण जी का मंदिर है, जो बेहद ही खूबसूरत और भव्य है। वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिरों में मदन मोहन मंदिर का नाम भी शामिल है। उसके बाद आता है प्रियकांत जू मंदिर। यह मंदिर वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में एक मंदिर है, जो एक लोटस की भांति बना हुआ है। इसके आसपास तालाब और पानी के लिए परिसर फवारे बने हुए हैं, जो बेहद ही सुंदर लगते हैं। अन्य मंदिरों की भांति इसमें भी श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति है और यह बेहद ही खूबसूरत लगती है। इसके खुलने का समय सुबह 7:30 बजे से 12 बजे तक और शाम 4:30 बजे से 8:30 बजे तक। मंदिर का सुंदर व्यू देखने के लिए लोग यहाँ शाम को जाना ही पसंद करते हैं। उसके बाद आता है गोविंद देव जी का मंदिर। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ अपना बचपन बिताया था। शहर की गोद में बैठा गोविंद देव जी का मंदिर 5 शताब्दी से खड़ा हुआ है। यह मंदिर लाल बलुआ पत्थर से बना है। यहाँ श्री कृष्ण ने अपनी बचपन बिताया था। मंदिर के खुलने का समय सुबह 4:30 बजे से 12:30 बजे तक और शाम को 5:30 बजे से 9 बजे तक का है। उसके बाद हम देखते हैं शाहजी मंदिर। इस मंदिर का निर्माण शाहजी कुंदन द्वारा सन 1876 में करवाया गया था। यह मंदिर भी श्री कृष्ण जी को समर्पित है। यहाँ के मुख्य देवता को छोटे राधा रमन जी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के अंदर में लाइटिंग की बहुत ही मनोरम दृश्य देखने को मिलती है, जो बेल्जियम के कांच से बने हुए हैं। इस मंदिर के खुलने का समय सुबह 7 से 11 और शाम को 5:30 बजे से 7:30 बजे तक का है। वृंदावन लोकप्रिय मंदिरों का शहर और मंदिरों की भूमि के रूप में जाना जाता है। इस वृंदावन में प्रसिद्ध और प्रमुख मंदिरों में से एक मंदिर है श्री रंगनाथ मंदिर। यह मंदिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इसके साथ साथ यहाँ रामानुजाचार्य, वेणुगोपाल, श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी की भी मूर्ति बनी है। इस मंदिर के खुलने का समय सुबह 7 से 11 और शाम 5:30 से 8 बजे तक है। उसके बाद आता है राधा रमन मंदिर। यह वृंदावन रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इसे राधा रमन के नाम से पुकारा जाता है, जिसका अर्थ होता है राधा को प्रसन्न करने वाला। इस मंदिर के बगल में गोपाल भट्ट की समाधि बनी हुई है। इस मंदिर के खुलने का समय सुबह 8 से 11 बजे तक और शाम 5:30 से 7 बजे तक का है। उसके बाद हम देखते हैं इस्कॉन वृंदावन मंदिर। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम को समर्पित है। प्रभु वृंदावन प्रभुपाद जी का यह सपना था कि श्री कृष्ण और बलराम जी के नाम से भी एक मंदिर बने। उनका मानना था कि जिस स्थान पर वे सदियों से खेले बढ़े, तो उसी स्थान पर उनका एक मंदिर बने। इस मंदिर के खुलने का समय है सुबह 4:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4:30 बजे से 8:30 बजे तक। नंबर 1 पे आता है प्रेम मंदिर। भव्यता से बना यह प्रेम मंदिर का निर्माण सन 2001 में जगद्गुरु कृपालु जी महाराज जी द्वारा करवाया गया था, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का परिदिव्य और परिचय करता है। यह मंदिर राधा कृष्ण के साथ भगवान श्री राम और सीता जी को भी समर्पित है। इस मंदिर का भव्य रूप रात को देखने को मिलता है, जो बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक प्रतीत होता है। मंदिर के अंदर लगा बड़ा सा झूमर इसकी खूबसूरती को बढ़ा देता है। इस मंदिर के खुलने का समय सुबह 8:30 से दोपहर 12 बजे तक और शाम 5 बजे से 8 बजे तक है।
ये मंदिर हिंदू धर्म में सबसे बड़ा मंदिर और पवित्र मंदिर माना जाता है।